नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट तरोड़ी। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी डिवाइस कभी भी आई होंगी और इन डिवाइस को देखकर आप लोग ये सोचते होंगे कि इसमें कोई वायर निकल जाए या इसके में बैटरी चेंज करना है या ये सॉकेट आपका टूट जाए, तो चार्जिंग वाला सॉकेट होता है या अगर टूट जाए तो हम कैसे इसको रिपेयर करेंगे। बिल्कुल ईजी और आसान। इस वीडियो में आप अपने घरों पर कोई भी म्यूजिक सिस्टम को, जो इस टाइप के म्यूजिक सिस्टम होते हैं ब्लूटूथ से चलने वाले, इनको आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पिन टूटना, अंदर बैटरी को चेंज करना, जो भी हो उसमें, इसे आप अपने घर पर ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसको आप घर पर आराम से अपने ठीक कर सकते हैं। तो सवाल इस बात का आता है सामने कि जब आपको यही पता नहीं इसको कैसे खोलना, ठीक है, तो क्योंकि इसमें तुम्हें कोई बैक में स्क्रू दिख रहा है, कहीं भी कोई स्क्रू ड्राइवर लगाने का कोई इसमें पॉइंट मिल रहा है कि हम इसको कहीं से स्क्रू ड्राइवर लगा कर इसको खोल सकें। ठीक है, तो गाइस देखें, हम लोग इस प्रकार के किसी भी आइटम को यदि आपको ओपन करना है, खोलना है, खोलने के लिए जैसे कि आपको बैटरी चेंज करना है, ठीक है, बाय द वे आपका ये चार्जर है और इसकी चार्जर की सॉकेट ये देखिए पूरी डैमेज है, पूरी ख़राब हो चुकी है सॉकेट इसकी, तो इसको अगर आपको चेंज करना है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सामने हालात ये आते हैं कि इसको आप कैसे खोलेंगे। ठीक है, तो गाइस आज हम इस वीडियो में आपको ए टू जेड इसमें चार्जिंग सॉकेट कैसे चेंज करें, इसकी बैटरी कैसे चेंज करें और उसको ओपन कैसे करें, मेन मकसद हमारा खोलने का, इसको कैसे खोलो। तो गाइस देखें, आप लोग किसी भी प्रकार की कभी आपके सामने इस प्रकार की अगर डिवाइस आ जाए तो आपको क्या करना है, स्क्रू वाले ही दिखाई ना दो तो आपको करना पहले इसकी फिल्टर यानी कि ये जाली निकालना। तो देखें आप लोग, बहुत ही टेक्निक से ये पैक किए जाते हैं, तो मैं कहीं बाहर स्क्रू इसमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हम इस वीडियो में आप लोगों को उस तय तक पहुंचा देते हैं किसी भी डिवाइस के, कि कोई भी आपको इतना सरल सही ढंग से आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, ना ही कोई बता पाएगा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे खोलें। ये देखें आप लोग, देखा आप लोगों ने, ये आपका जाली अलग हो गया, देखा आपने, जब से ही जाली अलग हुआ इसका ऊपर का आपका ये फिल्टर जाली अलग किया गया, अब आपको लोकेशन मिलने लगी स्क्रू की, ये देखें आप। तो इसके अंदर गाइस स्क्रू होते हैं, ये देखें, किसी को मालूम नहीं होता इसके बारे में, ना ही कोई आपको इतना गहराई से बता पाएगा जितना गहराई से हम आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। तो देखें गाइस, इसको खोलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा है और ये आराम से आपका खुल गया है, ठीक है, पूरा ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो करना हो, बैटरी चेंज करना हो, आपको कोई वायर टूट गया हो, वायर चेंज करना हो, चार्जिंग सॉकेट खराब हो गया, चार्जिंग सॉकेट आपको बनाना, कुछ भी करना हो, जब ये खुल जाएगा तो बड़े आराम से आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। अब जैसे ही आपके स्क्रू एक चार स्क्रू इसमें अंदर होंगे, अच्छी तरह से ये कवर किया था, ठीक है, तो मैं एक बात के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ दोबारा। मेरे वीडियो में अधिकांश थोड़ा तोड़ तरावार सुनाई देता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑन रोड पर हूँ और ऑन रोड पर होने के कारण वाहनों का आना जाना, कुत्ते बिल्लों का भूसना, लोगों का चिल्लाना, बातचीत करना, ये आम बात है, तो प्लीज़ क्षमा करें। मैं आप देखें कि मैं क्या बताता हूँ आप लोगों को। तो ये देखें साहब, आपका ये खुल के रेडी हो गया, बढ़िया। देखा साहब, मैंने कहा था ये खुल गया आपका, ये देखें सब कुछ आपके सामने है, स्पीकर, तेल, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी हाल में, ये चेंज करना है। ये देखें आप लोग, चार्जिंग का सॉकेट बिल्कुल उसकी पूरी तरह, ये देखें आप लोग, यहाँ पर एक चार्जिंग का सॉकेट लगा रहता है, ठीक, जिसमें ये पॉइंट लगाया जाता है। तो चार्जिंग का सॉकेट इसका पूरा टूट चुका है बुरी तरह बिल्कुल। अब इसको हमें कैसे मैनेज करेंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टेम्परेरी इस टाइप का एक सॉकेट लगाएंगे, ठीक है, जिसके लिए मुझे बैक साइड में एक छोटा सा छेद करना पड़ेगा, ठीक है, हम इसको सेट करके आपको बताएंगे। तो इसकी जगह जो यहाँ जो पीसीबी पर लगता था सॉकेट आपका, ठीक है, चार्जिंग सॉकेट, वो यहाँ ना लग के, क्योंकि इसके प्रिंट उखड़ चुके हैं बुरी तरह,
डैमेज हो चुका है यहाँ पर सेक्शन इसका, हमें ये आउटसाइड में लगाना पड़ेगा, ठीक है। वर्क वही करेगा, बस पीछे से इसको लगाना पड़ेगा। ये देखिए पॉइंट वही है, 3500 का ये सॉकेट है, ये देखिए। तो ये हमें लगाना, तो गाइस देखें आप लोग कैसे हमें मैनेज करना है। करना क्या आप लोगों को, जब इसे आप पीछे वाले बैक कवर पर सेट करना अच्छी तरह से, यहाँ से छेद करके, फिर आपको क्या करना है, इसमें दो प्रकार के वायर निकलते हैं। एक निकलता है आपका बहुत पतले वायर होते, हल्के हाथ से आपको बिल्कुल इसको कवर करना है, ज़्यादा आप फोर्स करेंगे तो ये टूट जाते हैं। ये देखें आप लोग, देखा आप लोगों ने, ये आपका पॉजिटिव का है और व्हाइट वाला ब्लैक होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर व्हाइट वाला इस पर नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, जब यहाँ पर इसका आप सेटअप कर लें पीछे साइड में छेद करके, ठीक है, तो मैं उसको बता देता हूँ अभी आप लोगों को। तो गाइस देखते हैं आप लोग, यदि आप इन वायर को, ये जो सॉकेट के वायर है, इन वायर को आप अगर सेल पर सीधे डायरेक्ट जोड़ेंगे, यानी कि हमने यहाँ पीछे इसमें बैक कवर लगा लिया, और हम आपको पूरा लुक दिखाते हैं ये, ठीक है। तो आपका हमने बैक कवर लगा लिया, यानी कि ये बैक कवर आपका यहाँ आ रहा है, तो पीछे का डायरेक्ट में देखना पड़ता है, पीछे का डायरेक्ट कहाँ, मतलब कोई चीज़ कट नहीं होनी चाहिए पीछे, ये आपका छेद हो गया इसमें, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इन कर देंगे, ठीक है। अगर ये हल्का होता है तो किसी भी नुकीली धारदार चीज से हम इसको थोड़ा रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने से क्या होगा, हमें पूरी साइज मिल जाएगी इसके अंदर जाने की, ठीक है। अभी भी थोड़ा हल्का सा बाकी है, ठीक है। तो हमें पहले इसकी ये वाले, इस वाले की हमें साइज अपडेट करना है कि किस साइज को हमने इसमें कवर करना है, ये देखो आप, ठीक है। आपका साइज बिल्कुल कवर हो गया, अब इसको बाहर निकाल के, ठीक है, इसका डायरेक्शन सीधा रखना ये, ठीक है। तो ये आपका लग गया। अब लगने के बाद में यदि आप चाहें तो आपको इस प्लेट को यदि नहीं छेड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्लेट को अगर आपको नहीं छेड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये कनेक्शन सीधे यहाँ ले जाके आपके रेड वाला जो आपका, तो ये रेड पे जोड़ दें ऐसे, ठीक है। और आपका ये जो वाइट वाला है, वाइट वाला आपको यहाँ पीछे जोड़ दें, ठीक है, यानी कि माइनस के सेल पे जोड़ दें, और इसको आप पूरा कवर कर दें जैसा था वैसे इसको कवर कर दें ऐसे, ठीक है, पूरा। तो अब जो चार्जिंग आपकी यहाँ हो रही थी, समझ, जो चार्जिंग आपकी यहाँ से होनी थी वो चार्जिंग यहाँ ना होगी, आपकी यहाँ से होगी, तो बन गया आपका। तो देखा आप लोगों ने, बिल्कुल इजी और आसान है इसका सिस्टम का खोलना, कि ये कैसे खुलेगा, इसमें चार्जिंग सॉकेट हम कैसे चेंज करेंगे। तो अब तो आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा कि कभी भी आपके पास इस प्रकार का कोई म्यूजिक सिस्टम यदि आ जाए तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें, मेरे वीडियो के द्वारा इसे आप खोल सकते हैं, खोलने के बाद में इसमें चार्जिंग सॉकेट लगा सकते हैं। इस प्रकार की चार्जिंग सॉकेट के लिए आपको 3500 का चार्जर सॉकेट आपको मार्केट में मिल जाएगा 10 रुपये का, बड़े आराम से आप 10 रुपये के खर्चे पे इसे आप दोबारा चार्जिंग के लायक बना सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, यदि इस वीडियो में आप लोगों को ज़रा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें और इस पर कमेंट करें। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट स्तर हो रही, आप लोगों को अपना धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे वीडियो वॉच करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।